कुछ समय पहले कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने वाले राहुल गांधी को 2019 में पीएम कैंडिडेट के तौर पर पेश करने के लिए कांग्रेस की ओर से प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी गई है। खासतौर पर सोशल मीडिया पर इसको लेकर माहौल तैयार किया जा रहा है। पार्टी के नेता इसको लेकर खुले तौर पर सामने आने से पहले इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर कांग्रेस वॉलंटियर्स और उनके समर्थक इस तरह के कैंपेन चलाकर जनता का मूड भांपने में लगे हुए हैं। फेसबुक पर राहुल गांधी अगले पीएम, राहुल गांधी एज नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, आरजी नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, नेक्स्ट पीएम आरजी जैसे कितने ही पेज देखे जा रहे हैं। इन्हें कांग्रेस वॉलंटियर चला रहे हैं और इन पर आ रहे फीडबैक को भी पार्टी तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में कम से कम 20 पेज कांग्रेस पार्टी के समर्थक चला रहे हैं। ये पेज राहुल गांधी के हक में लगातार एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी नेता का कहना है कि इन पेजों को चला रहे लोगों से फीडबैक पार्टी की रणनीति बनाने वाली टीम को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों को लेकर भी राहुल के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी और दूसरे नेताओं के हैशटैग बस एक साल और उसके साथ ट्वीट करने को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे माहौल बने कि मोदी सरकार जा रही है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।